चेतन और चांदनी के अंदर उपस्थित चित्रा दोनों हवेली के अंदर खड़े आश्चर्य से भरे हुए थे। चेतन जल्दी से बाहर की ओर भागा और आसपास देखते हुए चित्रा के पास लौट आया और हांफते हुए बोला, नहीं माही कहीं भी नहीं है और ना ही शेखरन कहीं नजर आ रहा। मुझे पूरा विश्वास है कि वो शेखरन ही माही को अपने साथ ले गया होगा। तभी चित्रा भी अंदाजा लगाते हुए बोली, चेतन ये बात बहुत गंभीर है। अगर शेखरन से लेकर गया है तो हम उसे बचा सकते हैं, लेकिन अगर हमसे पहले खूनी वधु ने उसे तलाश लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा था इस समय खूनी वधु को एक नए शरीर की तलाश होगी और वैसे भी माही बाहर ज्यादा घायल है और तुम लोग शेखरन से इतना कहकर चित्रा झटके से चांदनी के शरीर से बाहर आ गई, जिसके कारण चांदनी जमीन पर गिर पड़ी। चेतन उसे हल्के से उठाते हुए बोला, चांदनी आई होप तुमने सब सुना होगा कि अभी क्या हुआ। तब चांदनी तुरंत बोली, हाँ चेतन मैंने सुना, चित्रा मेरे दिमाग पर काबू नहीं करती। खैर ऐसा भी तो हो सकता है कि माही खुद हवेली के बाहर चली गई हो। इस बात के जवाब में चेतन सड़क की ओर देखते हुए बोला, इम्पॉसिबल चांदनी, माही इस हालत में थी ही नहीं कि वो खुद को खड़े कर सके। उसका पूरा शरीर चोटिल था, चलना तो दूर वो अपनी जगह से हिल तक नहीं सकती थी। मुझे तो ये तक नहीं समझ आया कि वो उस पिलर से दूसरे पिलर तक भी कैसे पहुंची। ये सुनकर चांदनी भी चिंता में उलझ गई और सोचने लगी, लेकिन तभी चेतन बोला, चांदनी तुम्हें सबको लेकर घर पहुंचाना चाहिए। कहते हुए चेतन वापस पीछे की ओर मुड़ा। तभी चांदनी दोबारा बोली, और तुम क्या तुम अकेले उस शेखरन को ढूंढने जाना चाहते हो? ये सुन चेतन कड़क आवाज में बोला, ठीक समझी तुम चांदनी, खूनी वधु मुक्त हो गई, शेखरन के पास फिर से माही है, हम लोग पूरी तरह से घायल हैं। तुम देख रही हो ना कि ये लड़ाई हम पूरी तरह से हार चुके हैं। हाँ अगर किसी बात की संतुष्टि है भी तो बस यही कि खूनी वधु शेखरन के वश में नहीं है। कहते हुए चेतन ने दुखी मन से चांदनी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, सबने मुझ पर भरोसा किया था लेकिन मैं बुरी तरह से फेल हो गया हूँ। कम से कम माही को वापस लाकर कुछ तो ठीक कर ही सकता हूँ ना। ये सुनकर चांदनी भी उसकी ओर दो कदम चलते हुए बोली, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, हम मिलकर माही को ढूंढ लेंगे। लेकिन चेतन ने चांदनी की बात सुनकर दोबारा उसकी ओर देखते हुए कहा, नहीं तुम्हें घर जाना होगा, माही को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है। वैसे भी खूनी वधु अब मुक्त है, वो कभी भी बाकी लोगों को नुकसान पहुंचाने आ सकती है। चित्राई है जो उसे रोक सकती है और उसकी शक्ति का स्रोत सिर्फ तुम हो, इसलिए तुम्हें लौटना होगा। ये कहकर चेतन मुड़कर जाने लगा तो चांदनी रोकते हुए बोली, लेकिन चेतन मेरी। तभी चेतन भी मुड़कर जोर से चिल्लाया, मैंने कहा ना जाओ वापस। ये सुन चांदनी सहम गई और पीछे हटते हुए बोली, प्लीज जल्दी लौट आना। पर चेतन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसे देखकर जंगल के रास्ते पर चलने लगा। रात का तीसरा प्रहर गुजर रहा था, चेतन उस रास्ते पर अकेला चला जा रहा था जहां दूर दूर तक कोई नहीं था। चेतन जोर जोर से आवाज लगा रहा था, माही माही कहाँ हो तुम? चिल्लाते हुए चेतन जंगल के दोनों हिस्सों को इस उम्मीद से देख रहा था कि कहीं तो कोई हलचल सुनाई पड़े, लेकिन उस जंगल में दूर से आती सियारों की आवाज के अलावा कोई और आवाज आ ही नहीं रही थी। तभी अचानक झाड़ियों में हलचल हुई, चेतन तुरंत उस तरफ भागा लेकिन वहां कोई नहीं था। वो दोबारा सड़क पर लौट आया और परेशान निराश हालत में यहाँ वहां देखते हुए जोर से चिल्लाया। उसके बाद वही घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से रोने लगा। रोते हुए वो खुद से बोला, एक बार फिर तुम्हें नहीं बचा पाया माही, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं। वो जमीन पर बैठा नीचे देख ही रहा था कि तभी उसे जमीन पर खून की कुछ बूंदे नजर आ गई। वो तुरंत अपने आंसुओं को पोंछते हुए बोला, खून के निशान? माही ही इतनी घायल थी कि खून उसके शरीर से रिस रहा था, होना हो ये खून उसी का होगा। कहते हुए चेतन उम्मीद से उठ खड़ा हुआ और जगह जगह नजर आ रहे खून के निशानों को देखकर आगे बढ़ने लगा। वो थोड़ी दूर तक उनका पीछा करता रहा लेकिन अचानक ही वो निशान गायब हो गए, जिन्हें देख चेतन हैरानी से बोला, अरे ये क्या निशान इस तरह से गायब कैसे हो गए? चेतन आसपास देखते हुए बोला, भगवान प्लीज कोई और क्लू दे दो, वैसे भी माही का बहुत खून बह चुका है,
अगर वो समय से वैद्य तक न पहुंची तो अनहोनी हो जाएगी। ये सोचते हुए चेतन आसपास देखने लगा। तभी दोबारा उसे जंगल में से आवाज सुनाई पड़ी। ऐसा लगा जैसे कोई जंगल में भाग रहा हो। ये आवाज सुनते ही चेतन बिना कुछ सोचे समझे और बिना अंजाम की परवाह किए उस गहरे जंगल में चला गया। लेकिन अंधेरा काफी ज्यादा था जिसके कारण चेतन को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। तब चेतन एक जगह रुक गया और अपनी आंखें बंद कर उन आवाजों को महसूस करते हुए जोर से चिल्लाया, मैं जानता हूँ तुम यही कहीं हो शेखरन, छिपना छिपाना क्यों, बाहर आकर मुकाबला करो और छोड़ दो माही को। चेतन का अंदाजा बिल्कुल सही निकला। शेखरन घायल माही को लिए एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। वो भी हंसते हुए बोला, तो आखिरकार तुमने मुझे ढूंढ ही लिया, तो तुम इतने शोर कैसे हो कि माही मेरे ही पास है। ये सुनकर चेतन गुस्से से बोला, झूठ मत बोलो शेखरन, मैं जानता हूँ माही तुम्हारे साथ ही है, सामने आओ कायर। जैसे चेतन की बात खत्म हुई दोबारा पत्तों में खड़खड़ाहट हुई। ऐसा लगा जैसे कोई वहां से निकल कर भागा। चेतन उस आवाज को सुनकर तुरंत पीछे मुड़ा और उस आवाज की ओर भागा। लेकिन अब भी चेतन को शेखरन नजर नहीं आया। वो दोबारा हंसते हुए बोला, अंधकार, अंधकार ही तो मेरा हथियार है, तुम फिर चूक गए चेतन, मैं चाहूं तो तुम्हें अभी के अभी मृत्यु मंत्र के प्रयोग से मार सकता हूं, लेकिन मैं देखना चाहता हूं कि तुम अपनी इस प्रेमिका को कैसे बचाते हो, इसका मतलब खेल में मजा तो आएगा। चेतन ये बात गुस्से में बोला, मारना चाहो तो अभी के अभी मार दो मुझे, क्योंकि एक बार तुम मेरे हाथ लग गए तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा तुम्हें, सामने आ पापी। तभी शेखरन ने एक मंत्र का प्रयोग किया और वहां पड़े सूखे पत्तों पर आग लगा दी और फिर चिल्लाते हुए बोला, ये लो चेतन, मैंने तुम्हारी मदद के लिए रोशनी कर दी, अब तो पकड़ो मुझे। कहते हुए वो एक बार फिर वहां से भागा। अब की बार चेतन तुरंत उस आग को पार करते हुए उसके पीछे भागने लगा और चिल्लाते हुए बोला, बस बहुत हुआ ये चूहे बिल्ली का खेल, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए जैसे ही चेतन ने उसके ऊपर झपट्टा मारने की कोशिश की, वो दोबारा बच निकला और गुस्से से बोला, क्या कर रहे हो चेतन, फिलहाल मुझ पर नहीं माही पर ध्यान दो, वरना आज तुम में से एक की मौत निश्चित है, वैसे भी उसका बहुत खून बह चुका है, तुमने तो खुद अपनी आंखों से देखा था सड़क पर। ये सुन चेतन की हिम्मत जवाब देने लगी। वो अपने गुस्से पर काबू कर शांति से बोला, देखो शेखरन तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है, माही बेगुनाह है, उसे वैद्य की जरूरत है, प्लीज उसे बचा लो वरना वो मर जाएगी। ये कहते हुए चेतन की आवाज में बेबसी का दर्द साफ झलक रहा था। दूसरी तरफ चांदनी काशी जी और वीर सिंह के पास चली आई। चांदनी को देखते ही काशी जी बोले, क्या हुआ, तुम तो चित्रा के साथ चेतन और माही को लेने गई थी, कहाँ है वो दोनों। काशी जी के इस सवाल पर चांदनी नजरें नीचे झुकाए शांत खड़ी थी। तब वीर सिंह दोबारा बोला, चांदनी जवाब दो, कहाँ है वो दोनों। तब चांदनी बिल्कुल धीमी आवाज में बोली, चित्रा चेतन को खूनी वधू से बचा ही रही थी कि उसी बीच। कहते कहते चांदनी रुक गई। जिसन वीर सिंह चिंता से भरी आवाज में चांदनी को हिलाते हुए बोला, उसी बीच क्या चांदनी, क्या हुआ चेतन को। तब चांदनी ने अपनी गीली आंखों से आंसुओं को पोंछते हुए जवाब दिया, चेतन ठीक है भैया, असल में चित्रा जब खूनी वधू से चेतन को बचा रही थी तो मौका पाकर वो शेखरन माही को अपने साथ ले गया, चेतन उसी के पीछे गया है। ये सुनकर काशी जी चांदनी पर भड़कते हुए बोले, और तुमने उसे अकेले जाने दिया, तुम्हें उसके साथ जाना चाहिए था चांदनी। तब चांदनी रूंधे गले से बोली, मैंने कहा था उसे लेकिन वो नहीं माना। तभी चांदनी ने वो सारी बातें बताई जो चेतन ने जाने से पहले उसे कही थी, कि आखिर क्यों उसने चांदनी को अपने साथ आने नहीं दिया। सारी बातें हो जाने के बाद सभी लोग घर की ओर चलने लगे। तीनों बिल्कुल शांत थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। लेकिन तभी कुछ सोचकर वीर सिंह बोला, मुझे उन दोनों की बहुत चिंता हो रही है पिताजी, भले माही ने कुछ भी किया हो आखिर वो मेरी बहन है, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। ये सुनकर काशी जी ने वीर सिंह को समझाते हुए कहा, चिंता मत करो बेटे, ईश्वर पर विश्वास रखो, और अगर चेतन ने कहा है तो वो माही को ले आएगा, मुझे विश्वास है उस पर।
इस बात को सुन वीर सिंह मुझ पर शांत रहा, लेकिन फिर वो दोबारा बोला, लेकिन पिताजी एक बात बहुत अजीब है, माही घायल है और उसका चल पाना भी पॉसिबल नहीं है, शेखरन उसे उठाकर ज्यादा दूर कैसे जा सकता है। तब चांदनी ने कुछ सोचकर कहा, हो सकता है उसने किसी मंत्र का प्रयोग किया हो। ये सुन वीर सिंह दोबारा बोला, तब भी तो उसे माही के होश में होने की जरूरत होगी, बेहोशी की हालत में वो उसे कैसे किसी मंत्र में शामिल कर सकता है, चेतना जरूरी है। ये सुनते ही चांदनी के कदम अचानक से रुक गए। वो तुरंत बोली, आपने ठीक कहा भैया, चेतन जब हमें बाहर छोड़ने आया था तब माही हवेली के दूसरे कोने के पास बेहोशी की हालत में थी, लेकिन जब चित्रा के साथ मैं वहां पहुंची तब माही दूसरे कॉर्नर के पास पहुंच चुकी थी। ये सुन वीर सिंह आश्चर्य से बोला, तो इसमें हैरानी की क्या बात है, हो सकता है खूनी वधु या शेखरन से बचने के लिए उसने जगह बदल ली हो। तब चांदनी उत्साह और हैरानी से बोली, नहीं, चेतन ने कहा था कि माही उस हालत में थी ही नहीं कि वो रेंग कर भी आगे बढ़ सके, मतलब वो वहां खुद जा ही नहीं सकती। ये सुनकर वीर सिंह और काशी जी हैरानी से सोचने लगे। दूसरी तरफ चेतन भी जंगल में बिल्कुल शांत बैठा था, शेखरन ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। इधर शांत बैठा चेतन मन ही मन परेशान होते हुए खुद से बोला, आखिर मैं कैसे इस शेखरन को रोकूं? सोचते हुए चेतन आंखें बंद करके खड़ा हो गया और कालदूत की कही बात सोचने लगा। कालदूत ने कहा था, दुश्मन उसकी सांसों की आवाज से भी पहचाना जा सकता है, जरूरत है वो आवाज सुनने की। कहते हुए चेतन बिल्कुल शांत खड़ा रहा। शेखरन को भी समझ नहीं आया कि आखिर ये कर क्या रहा है। जैसे ही शेखरन उसके पीछे हल्के कदमों से आया तो बिल्कुल धीमी पत्तों की खड़खड़ाने की आवाज भी चेतन के कानों में पड़ गई और उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। उसने पूरी ताकत से अपना हाथ घुमाया जो सीधा शेखरन के चेहरे पर जा पड़ा, जिसके चलते वो जमीन पर गिर पड़ा। तब चेतन उसे अपने बाजुओं में दबोचते हुए जोर से चिल्लाया, पता माही कहाँ है, कहाँ है वो? शेखरन तब भी हंसते हुए बोला, मुझे बेहद अफसोस है कि मुझे पकड़कर भी तुम खाली हाथ ही रहोगे दोस्त, तुम्हारी उस प्रेमिका का मरना तय है। सच कहूं तो उसकी मौत का अफसोस बहुत होगा मुझे, आखिर 2 साल हमारी दोस्ती रही। उसे धोखा देना तो नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं, कभी कभी कुर्बानी देनी पड़ती है। तब चेतन उसकी गर्दन कसते हुए फिर से चिल्लाया, बंद कर अपनी बकवास और बता मुझे कहाँ है माही। लेकिन इस बार शेखरन कुछ नहीं बोला, उल्टा चेतन के पेट पर अपनी कोहनी से हमला करते हुए उसने खुद को छुड़ा लिया। जैसे वो दूर हटा तो चेतन की नजर उसके पैरों पर पड़ी। तभी शेखरन उससे दूर हटते हुए बोला, ढूंढ लो, पूरा जंगल है, वो कहीं भी हो सकती है, और क्या पता यहाँ ना भी हो। ये सुनते ही चेतन शेखरन की ओर लपका तो उसने एक बार फिर अपने चारों ओर एक घना धुआं बिखेरा और वहां से गायब हो गया। अब चेतन एक बार फिर क्लूलेस खड़ा हुआ था। वो जोर जोर से चीखते हुए बोला, प्लीज गॉड हेल्प मी, अब कहाँ ढूंढूं माही को। कहते हुए चेतन कुछ सोच ही रहा था कि तभी उसका ध्यान दोबारा उसके पैरों पर गया। वो मन ही मन सोच कर बोला, शेखरन के एक पैर पर वही कपड़ा बंधा हुआ था जिससे वो अपनी पहचान छुपाता है, इसका मतलब उसके पैर पर चोट लगी है। तो क्या जो खून मैंने सड़क पर देखा वो खून माही का नहीं बल्कि खुद शेखरन का है? जब उसे महसूस हुआ कि उसका खून बह रहा है तब उसने वो कपड़ा पैर पर बांधा होगा, इसलिए जंगल में मुझे कहीं खून दोबारा नहीं दिखाई दिया। ये सोचकर चेतन हैरानी से बोला, ओह तो बात ये है, इसका मतलब मैं शेखरन के जाल में फंस गया। कहते हुए चेतन तुरंत जंगल से बाहर की ओर भागने लगा। दूसरी तरफ चांदनी भी मुस्कुराते हुए काशी जी से बोली, भैया आप लोग जाइए, मैं जान गई हूँ कि माही कहाँ है, हमें बस फंसाया गया था। कहते हुए चांदनी भी मुड़कर उसी रास्ते पर दौड़ने लगी जहां से वो आई थी। आखिर क्या राज है माही के गायब होने का, और कहाँ है वो, जानने के लिए सुनते रहिए खूनी वध।